नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 45 प्रश्न देखोगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी है उसे भी दबा दो, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। हम इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो डालते हैं। एक, वारसमुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? उत्तर, हुएसल राजवंश। दो, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तीन, किस शासक ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था? उत्तर, राव जोधा ने, जोधपुर में। चार, राजस्थान का सबसे नया जिला कौन सा है? उत्तर, प्रतापगढ़। पांच, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 16 अगस्त 1949। छह, राजस्थान के कामर समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? उत्तर, तिरहताली नृत्य। सात, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है? उत्तर, राजस्थान। आंसर नॉट कंफर्म्ड। आठ, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, संसद में महाभियोग। नौ, मीराबाई के पति का क्या नाम था? उत्तर, भोजराज। दस, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2011-12 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर, श्री अंबिका दत्ता। 11, भारत में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर, दूसरा। 12, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर, जॉर्ज थॉमस। 13, जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर, भरतपुर। 14, कौन सा जिला सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, गोटन, नागौर। 15, राजस्थान के किस जिले में अभ्रक मिश्रित हीमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है? उत्तर, भीलवाड़ा। 16, राजस्थान के किस शहर में ढोल नृत्य प्रारंभ हुआ था? उत्तर, जालौर। 17, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर, दूसरा। 18, वर्तमान में भारतीय करेंसी नोट में प्रयुक्त होने वाला कागज मुख्य रूप से किन देशों से मंगाया जाता है? उत्तर, जर्मनी, जापान, यूके। 19, कौन सा शहर ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, बीकानेर। 20, लंगुरिया किस देवी से संबंधित है? उत्तर, कैला देवी से। 21, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? उत्तर, चंद्र बरदाई। 22, राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? उत्तर, आमिन खान। 23, 36वां भारतीय फेडरेशन कप 2014-15 किस क्लब ने जीता है? उत्तर, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। 24, राजस्थान महोत्सव 2012 कहां मनाया गया था? उत्तर, पुणे। 25, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा किसका संयुक्त उद्यम है? उत्तर, बीएनपी परिवास कार्डिफ। 26, राजस्थान की मृत नदी के नाम से विख्यात है? उत्तर, घग्गर नदी। 27, सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस मुगल सम्राट ने पराजित किया था? उत्तर, बाबर। 28, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में कौन सा यूनानी राजदूत था? उत्तर, मेगस्थनीज। 29, अश्वघोष जिसने बुद्धचरित लिखी थी किस राजा के राजदरबार में था? उत्तर, कनिष्क। 30, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? उत्तर, कमर में। 31, भारत में बैंक जमाओं पर इंश्योरेंस कवर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। 32, किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? उत्तर, अकबर। 33,
किस बैंक ने विश्व का प्रथम फेसबुक आधारित त्वरित निधि हस्तांतरण प्लेटफॉर्म केपे स्थापित किया है? उत्तर, कोटक महिंद्रा बैंक। 34. सैंडी लॉज गोल्फ कोर्स किस देश में स्थित है? उत्तर, यूके में। 35. वर्ष 2014 का फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? उत्तर, जर्मनी। 36. पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में होता है? उत्तर, नवंबर माह में। 37. सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट 2013 किस देश ने जीता था? उत्तर, अफगानिस्तान। 38. ऑलिव जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? उत्तर, शांति। 39. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? उत्तर, 5. 40. छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एलियंस दर्शाने वाली लगभग 10,000 वर्ष पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं? उत्तर, चरामा काकेर। 41. वृक्षों को छोटा करने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? उत्तर, बोनसाई खेलकूद। 42. अनुच्छेद ऋण 356 के अधीन की गई आपातुद घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, राष्ट्रपति शासन। विविध। 43. संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? उत्तर, एक बार। 44. विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु पूर्ण होना जरूरी है? उत्तर, 25 वर्ष। 45. अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, अजयपाल चौहान ने। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी है उसे भी दबा दो, जिससे कि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।